हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग हमारा जो डीप लर्निंग प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ड्रॉप आउट्स। ठीक है, डीप लर्निंग में रिसेंटली ये चीज डिस्कवर हुई है कुछ साल पहले, और ट्रस्ट मी अब न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के प्रोसेस में ड्रॉप आउट्स को बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है ड्रॉप आउट क्या होता है, कैसे काम करता है, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आपको कब और कैसे ड्रॉपआउट्स यूज करना चाहिए। और आप नोटिस करोगे, अगर आप सही तरीके से चीजों को सीखोगे तो आपका न्यूरल नेटवर्क आप थोड़ा बेटर तरीके से ट्रेन कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल स्क्रीन पे हमारे पास वही डॉक्यूमेंट है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियोज से। ये एक काइंड ऑफ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा अगर आपको अपना न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव करना है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, हमने अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हमने नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ड्रॉपआउट लेयर्स। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ड्रॉपआउट लेयर्स आप तब यूज करते हो जब आपका मॉडल, आपका न्यूरल नेटवर्क ओवरफिट करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एकदम बेसिक से हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ओवरफिटिंग क्या होता है। ओवरफिटिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मशीन लर्निंग को बहुत परेशान करता है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत से एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया एक डेटा पे, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ओवरफिट कर चुका है। ओवरफिट करने का मतलब ट्रेनिंग डेटा को उसने एकदम रट लिया, और उसका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो बहुत अच्छा है, बट जब भी आप उसको नया अनसीन डेटा दिखाते हो तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। आप ये डायग्राम अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर यू कैन सी आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जहां पे आपको ब्लू और रेड पॉइंट्स के बीच में एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करना है। आपके मशीन लर्निंग मॉडल का काम है ब्लू और रेड पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। अब यहां पर अगर आप इस ग्रीन वाले मॉडल की तरफ देखो, अगर आप इस मॉडल पे फोकस करो तो ये ओवरफिटिंग कर रहा है क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज्यादा रटने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ट्रेनिंग डेटा पे वो एक भी गलती ना करे। ठीक है, अब खुद सोचो अगर ये डेटा हटा दिया जाए और इसके बदले कुछ नया अनसीन डेटा लाया जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स सी डिसीजन बाउंड्री हमने बनाई है ये हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। बहुत अच्छा होता अगर हम ये ब्लैक, ये जो सरफेस है ब्लैक डिसीजन बाउंड्री, अगर हम ये किसी तरीके से अचीव कर पाते, क्योंकि ये जो है ये रट नहीं रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है आपके डेटा के अंदर का और सही तरीके से आपके दोनों पॉइंट्स के बीच में क्लासिफिकेशन बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, तो यही होता है न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं, आपने जो ANN अभी तक पढ़ा है, दे आर प्रोन टू ओवरफिटिंग। आप ये न्यूरल नेटवर्क के बारे में बार बार सुनोगे कि न्यूरल नेटवर्क्स आर प्रोन टू ओवरफिटिंग। उसका रीजन ये है कि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब खुद सोचो ना, देर आर मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर हैव मल्टीपल नोड्स। तो इतना कॉम्प्लेक्स आपके पास जो आर्किटेक्चर है, इसको जब आप डेटा देते हो और खूब सारे ईपॉक्स पे उस डेटा को रन करते हो तो ओवरफिटिंग बहुत ज्यादा टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब सवाल ये है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को। सो अगर आप पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करो तो 2-3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। पहला पॉसिबल सॉल्यूशन जो न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत फॉलो किया जाता है वो है एड मोर डेटा। जितना ज्यादा डेटा आप देते जाओगे उतना ज्यादा चांस है ओवरफिटिंग ना होने का। ठीक है, जितना अलग अलग टाइप का डेटा आप दिखाओगे अपने न्यूरल नेटवर्क को वो उतना बढ़िया तरीके से जनरलाइज करता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर नेटवर्क। जहां आप 10 हिडन लेयर्स यूज कर रहे थे वहां पे 7 अप्लाई करके देखो, जहां पे आप हर लेयर में 128 नोड्स ऐड कर रहे थे वहां पे 64 ऐड करके देखो। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हो अपने मॉडल का तो ओवरफिटिंग भी रिड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड अर्ली स्टॉपिंग ये हमने पढ़ा है। अर्ली स्टॉपिंग का बेसिक फंडा ये है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि कब ओवरफिटिंग होना स्टार्ट हो रहा है, आप उसी जगह पे ट्रेनिंग को बंद कर देते हो। ये मैंने आपको कराया है 2-3 वीडियोस पहले, ये भी एक टेक्निक है।
टेक्निक नंबर फोर्थ आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा, स्पेशली लीनियर मॉडल्स में रेगुलराइजेशन आप यूज कर सकते हो. रेगुलराइजेशन बोथ L1 एंड L2 आपने शायद पढ़ा होगा. रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में. आप ये टेक्निक यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. इनफैक्ट मैं अगले के अगले वीडियो में ये टेक्निक आपको पढ़ाऊंगा भी. बट आज की वीडियो में जो हम टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रॉप आउट. ये एक बहुत ही अजीब सा डिफरेंट सा टेक्निक है जो कुछ साल पहले डिस्कवर किया गया है बाय जॉफ्री हिल्टन एंड देयर इज दिस गाय कॉल्ड नितेश श्रीवास्तव. इन दोनों ने मिलके ये टेक्निक निकाला और जब से ये टेक्निक आया है इट हैज गॉट वेरी फेमस. डीप लर्निंग सर्किट्स में बहुत फेमस हुआ ये टेक्निक टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स एंड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग. ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो ओवरफिट ड्रॉपआउट्स के बारे में है. ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ड्रॉपआउट्स में. आप एग्जैक्टली क्या चेंज करते हो अपने न्यूरल नेटवर्क में कि आपका ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम रिड्यूस होता है. लेट्स सी दैट. चलो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉपआउट्स. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लेते हैं कि हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं और उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमारे पास इनपुट में 5 कॉलम्स हैं और फिर हमारे पास हमारा आउटपुट कॉलम है. ठीक है, और हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया है जो इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. यहाँ पर ये मेरा इनपुट लेयर है. यू कैन सी यहाँ पे 5 इनपुट्स जाएंगे, हर कॉलम का इनपुट यहाँ से जाएगा. देन वी हैव 2 हिडन लेयर्स, दोनों में 5-5 आपके नोड्स हैं और फाइनली ये आपका आउटपुट लेयर है जिसमें एक सिंगल नोड है. मान लेते हैं ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. तो आपका एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क विल लुक लाइक दिस, जैसा ये पहला डायग्राम है. ठीक है, अब होता क्या है कि आप जब इतना कॉम्प्लेक्स सा एक आर्किटेक्चर बनाते हो तो ओवरफिटिंग का चांस होता है जैसा कि मैंने बताया. तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम ड्रॉपआउट्स यूज करते हैं. और ड्रॉपआउट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बस ये है कि आप रैंडमली अपने इनपुट लेयर और अपने हिडन लेयर के नोड्स को ड्रॉप कर देते हो. अब ड्रॉप का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं. ये डायग्राम के ऊपर फोकस करो. हम क्या करेंगे, हर ईपॉक में मान लो हम टोटल मिला के 10 ईपॉक्स ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को, तो हम क्या करेंगे, फॉर एवरी ईपॉक वी विल रैंडमली स्विच ऑफ सम ऑफ द नोड्स इन योर इनपुट लेयर एंड इन योर हिडन लेयर. जैसे यहां पर देखो, मान लो अभी ईपॉक 1 चल रहा है, दिस इज ईपॉक 1. तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली इन 5 में से इसको और इसको टर्न ऑफ कर दिया. टर्न ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि अब ये जो नोड है ये किसी भी और नोड से कनेक्टेड नहीं रहेगा. बेसिकली ये वेट्स और बायसेस हट जाएंगे इस नोड के, ये नेटवर्क से अलग हो जाएगा. सेम मैंने क्या किया, मैंने अपने हिडन लेयर में रैंडमली इन 3 को हटा दिया और फिर मैंने अगले हिडन लेयर में रैंडमली इन दोनों को हटा दिया. सो अब जो बचा हुआ है वही मेरा न्यूरल नेटवर्क है और उसी के ऊपर ट्रेनिंग होगा फॉर दिस पर्टिकुलर ईपॉक. अब जब ईपॉक 2 आएगा तो ईपॉक 2 के पहले मैं फिर से क्या करूंगा, इस लेयर में रैंडमली 2 नोड्स को हटा दूंगा. मान लो इस बार मैंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो ये वाला वापस आ जाएगा, ये वाला भी वापस आ जाएगा, ये और ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. सिमिलरली अगले वाले में मैं क्या करूंगा, फिर से रैंडमली किसी 3 को उड़ा दूंगा. जैसे कि मान लो मैंने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया और इसको उड़ा दिया, तो बेसिकली अब ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा. ठीक है, और मैं अगले वाले में भी फिर से रैंडमली 2 को हटा दूंगा और इसको इसको वापस ले आऊंगा. सो आप क्या कर रहे हो, हर ईपॉक के पहले डिसाइड कर रहे हो रैंडमली कि कौन सा नोड रहेगा कौन सा नोड नहीं रहेगा. सो इन अ वे आप बोल सकते हो कि आप जब 10 ईपॉक्स चलाओगे तो आप एक्चुअली 10 डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है यहां पर कि ड्रॉपआउट होने से क्या हो रहा है कि एसेंशियली आपके न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है. तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि फर्स्ट ईपॉक में
कोई डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क था, दूसरे में थोड़ा अलग था, तीसरे में थोड़ा अलग था. सो इन अ वे हर ईपॉक में यू आर ट्रेनिंग द सेम डेटा बट ऑन अ डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, यही होता है आपका ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट. अब जब पहली बार कोई इसको पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये डाउट सा आता है, मेरे दिमाग में भी आया था, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि यार ऐसे चीजों को तोड़ने से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकता है. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. तो फिर तोड़ने से चीज अच्छी कैसे बन सकती है, ये आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए. और नेक्स्ट मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे ये टेक्निक स्मार्टली ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. इनफैक्ट ये प्रूवन है कि ड्रॉपआउट यूज करने से अराउंड 2% का आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाता है. अब आप बोलोगे 2% कौन सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अगर आप 95 पर हो और आपको 97 पे जाना है, ये छोटा जंप नहीं है, ये बहुत बड़ा जंप है और ड्रॉपआउट आपको इस तरह का फायदा दे सकता है. ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि कैसे न्यूरॉन्स को हटाने से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, हम इस चीज का इंट्यूशन देखेंगे. सो गाइस एक बार पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग होता क्यों है. ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये डेटा है और ये न्यूरल नेटवर्क है. अब न्यूरल नेटवर्क में क्या है कि आपके पास खूब सारे हिडन लेयर्स होते हैं और उन हिडन लेयर्स में बहुत सारे नोड्स होते हैं, और जब आप एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो खूब सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं न्यूरल नेटवर्क में, वो हर छोटी चीज को कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है, हर छोटे से छोटे पैटर्न को भी कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है, और उसी की वजह से ओवरफिटिंग होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करके ओवरफिटिंग रिड्यूस किया जा सकता है, तो एक तो बहुत सिंपल आंसर है, रिड्यूस द नंबर ऑफ नोड्स. नोड्स ही घटा दो ना, नोड्स घटाने से वो पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, ये छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज पिक करना रिड्यूस हो जाएगा. और दूसरा तरीका क्या है कि आप आपके जो नोड्स हैं उनमें इस तरह के चेंजेस करो कि वो किसी सिंगल टाइप के पैटर्न के ऊपर फोकस ना कर पाए, रादर सभी तरह की चीजों के ऊपर बराबर फोकस करें. ये दो चीजें अगर आप कर पाओगे तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हो. पहला, नंबर ऑफ नोड्स ही रिड्यूस कर दो तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं आपके न्यूरल नेटवर्क में वो उतने रहेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली बहुत बारीक चीजों के ऊपर फोकस करने का उसके पास रिसोर्स ही नहीं रहेगा. दूसरी चीज, आपका कुछ इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि आपके जो नोड्स हैं वो किसी एक सिंगल चीज के ऊपर बहुत फोकस ना कर पाए, किसी तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट करना है और हर चीज के ऊपर फोकस करवाना है रादर देन फोकसिंग ऑन अ सिंगल थिंग. और यही दोनों काम बहुत इफेक्टिवली ड्रॉप आउट लेयर्स करते हैं. देखो कैसे, यहां पर देखो ये सेम न्यूरल नेटवर्क है और मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ड्रॉपआउट रेशियो लूंगा 0.5. आप हर लेयर के लिए एक अलग से ड्रॉपआउट रेशियो ले सकते हो जिसको पी बोला जाता है. इसका मतलब है कि मैं इस इनपुट लेयर में से रैंडमली हर ईपॉक में 50% न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर दूंगा, हटा दूंगा. ठीक है, सेम मैंने इस हिडन लेयर के लिए भी लिया 0.5, मतलब हर ईपॉक में इस हिडन लेयर से भी 50% न्यूरॉन्स रैंडमली ड्रॉप हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो मैंने अपना पहला ईपॉक चलाया, जब मैंने पहला ईपॉक चलाया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेयर में ये और ये और सेकेंड लेयर में ये और ये टर्न ऑफ हो गए और ये रहा मेरा न्यूरल नेटवर्क विच इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क. अगर आप ध्यान से देखो इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ द मेन न्यूरल नेटवर्क, से छोटा है, कम नोड्स है हमारे पास. फिर जब अगला ईपॉक चला तो इस बार ये दोनों न्यूरॉन्स टर्न ऑफ हो गए और ये दोनों टर्न ऑफ हो गए, फिर से एक नया न्यूरल नेटवर्क बना विच इज अगेन अ सबसेट ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क, नंबर ऑफ नोड्स आप रिड्यूस कर रहे हो. सिमिलरली थर्ड ईपॉक में भी फिर से ये वाला ऑफ हो गया और ये दोनों ऑफ हो गए. तो हर बार हम एक काम तो कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स हम रिड्यूस कर दे रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कैसे अचीव करेंगे वो बहुत सिंपल है. अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. हम इस न्यूरॉन को पकड़ते हैं, ये जो नोड है हम इसको पकड़ते हैं. अब ये जो नोड है ये इन चारों से इनपुट ले रहा है. ठीक है, बट ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा
कि वो इसको ज्यादा वैल्यू करने लगे। मतलब ये जो वेट है, ये वाला जो वेट है, इसका वैल्यू इन वेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो न्यूरॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ज्यादा फोकस करने लग रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि किसी एक वेट को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रहा है और बाकी को बहुत कम मिल रहा है। कैसे? बहुत सिंपल है। इस इपॉक में जब न्यूरॉन ये वाला ट्रेन हो रहा है, ये वाला न्यूरॉन जब ट्रेन हो रहा है, तो नोटिस करो ये वाला है, ठीक है, बट अगली बार में ये वाला है ही नहीं, अगली बार में भी नहीं है। तो अब इस न्यूरॉन को इससे उतना इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर सकता, बिकॉज उसको नहीं पता कि अगले इपॉक में ये वाला नोड से मुझे इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन अ वे क्या होता है कि इस न्यूरॉन को जब भी इनपुट मिलेगा प्रीवियस लेयर से, वो बहुत बैलेंस्ड होगा। अब ये सिर्फ इसके आश्रय नहीं बैठा रहेगा कि यार पहला वाला भेजेगा उसी को मैं वैल्यू करता हूं, नहीं, हो सकता है पहला वाला आए ही ना, तो फिर आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले पे भी फोकस करने लगते हो। इन अ वे आपका अटेंशन अब सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, सब पे डिवाइड हो गया। आपका जो वेट था, जो पहले ये वाला वेट सबसे थिक था, सबसे ज्यादा था, अब वो बराबर हो चुका है। इससे भी आप उतना ही वैल्यू ले रहे हो, इससे भी उतना ही ले रहे हो, इससे भी उतना ही ले रहे हो और इससे भी उतना ही ले रहे हो। और जैसे ही आप ये करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका न्यूरल नेटवर्क कम ओवरफिट करेगा और इस तरह की चीजों को इग्नोर मारने लगेगा, इस तरह के पैटर्न्स को इग्नोर मारने लगेगा। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ड्रॉप आउट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि मान लो एक कंपनी है, अब उस कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग काम करेंगे, मतलब वहां पे पियोन होगा, वहां पे कॉफी बनाने वाला होगा, वहां पे कोडर्स होंगे, वहां पे मार्केटिंग का बंदा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, राइट। अब उस कंपनी में एक नया पॉलिसी आया कि हर दिन सुबह रैंडमली डिसाइड होगा कि कौन ऑफिस आएगा और कौन ऑफिस नहीं आएगा। मतलब रैंडमली 50% लोग आएंगे, 50% लोग नहीं आएंगे, और ये रैंडमली डिसाइड होगा। सो इफ आई एम एन एम्प्लॉय, मुझे सुबह एक मेल आएगा कि मुझे आना है या नहीं आना है, और वो मेल रैंडम होगा, किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। अब आप सोचोगे यार ऐसा तो बहुत गड़बड़ है, अगर 50% या लेट्स से 30% एम्प्लॉयज को रैंडमली मना कर दिया जाए डेली, तो आपकी कंपनी का तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सिंस बहुत लोग नहीं आएंगे, तो एज एन एम्प्लॉय, इफ आई एम अ कोडर, तो मैं लोगों पर डिपेंड नहीं करूंगा और मैं खुद से बहुत चीजें कंट्रोल करने लगूंगा। जहां पे मैं पहले सिर्फ टेस्टिंग टीम के ऊपर डिपेंड करता था, अब मैं बाकी लोगों पे भी डिपेंड करने लगूंगा, बिकॉज बाकी लोग टेस्टिंग टीम का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहां पर हो रहा है कि ये जो नोड था ये जो सिर्फ पहले फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा था, अब सिंस फर्स्ट वाला है ही नहीं, तो उसको सेकंड वाले से भी बात करनी पड़ रही है, थर्ड वाले से भी बात करनी पड़ रही है, फोर्थ वाले से भी बात करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल जो आपका आर्किटेक्चर है ये ज्यादा रेजिलियंट बनता है, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है, बोलता है इतने छोटे चेंजेस को इग्नोर मारो, बड़ी चीजों पे फोकस करो। और बड़ी चीज क्या है? ये ओवरऑल पैटर्न इस डेटा के बीच का, ठीक है। तो कंपनी वाला एग्जांपल तो प्रूव नहीं किया जा सकता कि सच में ऐसा होगा कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट न्यूरल नेटवर्क्स में ये थ्योरी काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका इस पूरी चीज को समझने का। अब मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपके दिमाग में ये बात और अच्छे से बैठेगी। हम ड्रॉपआउट को कंपेयर करेंगे रैंडम फॉरेस्ट से। रैंडम फॉरेस्ट, अगर आपको पता होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और कुछ मायनों में ड्रॉपआउट जो है वो रैंडम फॉरेस्ट की तरह काम करता है। मैं आपको वो बताता हूँ। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड कि ड्रॉपआउट कैसे रैंडम फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। सो अगर आपको याद होगा, हमने रैंडम फॉरेस्ट जब पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें 10 इनपुट कॉलम्स हैं और फिर एक आउटपुट कॉलम है। अब आप क्या करते हो कि आप रैंडम फॉरेस्ट बनाने के लिए मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करते हो। मान लो हम 100 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन कर रहे हैं। अब आप दो तरीके से डेटा देते हो, आप या तो कॉलम सैंपलिंग करते हो या फिर रो सैंपलिंग करते हो या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम सिर्फ कॉलम सैंपलिंग करेंगे। इसका मतलब हम जो पहला डिसीजन ट्री बनाएंगे उसमें मान लो हम सिर्फ 50% कॉलम्स को ही भेजेंगे रैंडमली। सो X1 जाएगा, X2 नहीं जाएगा, X3 जाएगा, X4 नहीं जाएगा। सो 10 में से 5 रैंडम कॉलम्स हम यहाँ पे भेजेंगे और हम अपने पहले डिसीजन ट्री को ट्रेन करते हैं।
फिर हम एक दूसरे डिसीजन ट्री को उठाएंगे और फिर से रैंडमली 5 कोई भी कॉलम्स को उठाएंगे और उस डिसीजन ट्री में दे देंगे। सो होगा क्या, ऐसा करते करते आपके पास 100 डिसीजन ट्रीज होंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे, कंप्लीटली अलग नहीं होंगे बिकॉज कुछ कॉलम्स तो सेम रहेंगे, बट यू गेट द आइडिया कि आपके पास एक 100 डिसीजन ट्रीज का एंसेंबल बन गया। और प्रिडिक्शन करते टाइम आप क्या करोगे, एक सिंगल रो को सभी 100 डिसीजन ट्रीज को भेजोगे और हर किसी से पूछोगे बताओ 1 या 0। अब हो सकता है 60 ट्रीज बोले कि 1 और 40 ट्रीज बोले 0, तो मेजॉरिटी काउंट के बेसिस पे आप बोल दोगे कि ये जो रो है ये 1 होना चाहिए। दैट इज हाउ रैंडम फॉरेस्ट वर्क्स। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज आप एक्चुअली करते हो जब आप ड्रॉप आउट करते हो। मान लो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारा इनपुट लेयर है और ये हमारा हिडन लेयर है, और हमने बोला कि P इज इक्वल टू 0.5, मतलब हम 50% नोड्स को ड्रॉप कर देंगे बोथ फ्रॉम इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस न्यूरल नेटवर्क से आप कितने न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हो। यहां पे टोटल मिला के देर आर 9 नोड्स और हर नोड प्रेजेंट रह सकता है या एबसेंट रह सकता है, मतलब हर नोड के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल मिला के हमारे पास इतने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, इतने अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स आप बना सकते हो। एक्चुअली 8 कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये आउटपुट वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो 2 to the power 8 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप क्या कर रहे हो, आप लेट्स से 10 ईपॉक के लिए ट्रेन कर रहे हो, 10 ईपॉक्स के लिए, तो होगा क्या कि रैंडमली स्विच ऑफ होने की वजह से हर ईपॉक में अलग न्यूरल नेटवर्क बनेगा। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, फॉर एवरी ईपॉक यू आर ट्रेनिंग अ यूनिक न्यूरल नेटवर्क। पहली बार कोई अलग आर्किटेक्चर है, दूसरे बार कोई अलग आर्किटेक्चर है, तीसरी बार कोई अलग आर्किटेक्चर है, तो इन अ वे यहां पे भी आप क्या कर रहे हो, 10 न्यूरल नेटवर्क्स का एंसेंबल बना रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे डिसीजन ट्रीज का एंसेंबल बनाया था। अगर आप 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करोगे तो सिंस ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, इस बात का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 100 ईपॉक्स में कभी भी कोई आर्किटेक्चर रिपीट करेगा। इट बेसिकली मीन्स कि आपके पास 100 यूनिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं जिसको आप सेम डेटा भेज रहे हो। सिंस न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर अलग है और बहुत अलग भी नहीं है, तो आंसर अलग अलग आएगा और आप सबसे पूछ करके आंसर डिसाइड करते हो। तो इन अ वे आप यहां पे एंसेंबल लर्निंग जैसा ही काम करते हो। सो कई बार ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन ड्रॉपआउट्स कैसे सिमिलर हैं रैंडम फॉरेस्ट से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इन अ वे यही हो रहा है कि हर बार जैसे आप अलग अलग डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करते हो, वैसे आप अलग अलग न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो और फिर उनका मिला करके जो इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। दैट इज वाई यहां पर आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत न्यूरल नेटवर्क जो है वो रैंडम फॉरेस्ट की तरह बिहेव करता है, एंड दैट इज वाई ड्रॉपआउट्स यूज करने से आपका जो परफॉर्मेंस है आपके न्यूरल नेटवर्क का वो इंप्रूव कर जाता है। ऑल्सो जो आपका ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। जैसे रैंडम फॉरेस्ट ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, ठीक वैसे ही ड्रॉपआउट्स भी न्यूरल नेटवर्क से ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कनेक्शन थोड़ा समझ में आया। अब गाइज एक चीज आपको याद रखनी है कि ड्रॉपआउट जो हम लगाते हैं ना वो सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे लगाते हैं, टेस्टिंग के टाइम पे ड्रॉपआउट नहीं लगता। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो मान लो ये आपका न्यूरल नेटवर्क है, इसमें 4 इनपुट्स जाएंगे, इनपुट लेयर ये है, ये आपका हिडन लेयर है। तो मान लो आपने यहाँ पे ड्रॉप आउट लगाया है 0.25 का, मतलब हर ईपॉक में रैंडमली 4 में से कोई एक आपका जो नोड है वो टर्न ऑफ हो जाएगा रैंडमली। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी आपने 0.25 लगाया, ठीक है, तो अगेन सेम चीज होगी। तो ये जो भी होगा ना ये ट्रेनिंग के टाइम पे होता है, टेस्टिंग के टाइम पे ऐसा नहीं होता। टेस्टिंग के टाइम पे ये सारे के सारे नोड्स अवेलेबल रहेंगे, इट मींस ये सारे के सारे कनेक्शंस एक्टिव रहेंगे। बट सवाल ये आता है कि ये वेट होगा कितना, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं थी ट्रेनिंग के टाइम पे कि ये वाला वेट होगा या नहीं होगा, बट टेस्टिंग में होगा, जरूर होगा। तो यहां पे कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो ये एक वेट है
और ट्रेनिंग से इसका वेट निकल के आया W, तो टेस्टिंग में इसका वेट हो जाएगा W टाइम्स 1 माइनस पी, ठीक है, पी क्या है 0.25, तो वेट कितना हो जाएगा W मल्टीप्लाइड बाय 0.75, इसका यही मतलब है। अब सोचो ये बहुत लॉजिकल है, कैसे, बहुत सिंपल है, यहां पे हर जो नोड है उसका गायब होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.25, और इसके रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मान लो आप 100 epochs के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो अगर आपने 0.25 सेट किया अपना ड्रॉप आउट रेशियो, तो 100 epochs में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 25 epochs में ये गायब हो जाएगा लास्ट वाला, और 75 में रहेगा। इसका मतलब ये जो वेट है इसका इस आर्किटेक्चर में रहने का प्रोबेबिलिटी इज 0.75, दैट इज वाई जो भी वेट आ रहा है हम उसको 0.75 टाइम्स ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप 0.75 टाइम्स नहीं रखोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे इतना नहीं था, ट्रेनिंग के टाइम पे 0.75 टाइम्स ही था, दैट इज वाई आप क्या करोगे, जितने भी आपके वेट्स हैं, कोई भी वेट आप उठा लो, इनमें से कोई भी वेट आप उठा लो, इन सभी वेट्स को आप 1 माइनस पी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, और यही वेट्स को आप टेस्टिंग में यूज करोगे जब आप प्रिडिक्शन करते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, मैं समराइज कर देता हूं, बहुत सिंपल है। आपका जो नोड है वो ड्रॉप होता है सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे सारे नोड्स अवेलेबल है, सारे वेट्स अवेलेबल है, बट हम पूरा वेट नहीं असाइन कर सकते बिकॉज पूरे टाइम पे वो नोड अवेलेबल था ही नहीं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो जितने टाइम अवेलेबल था हम उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर आपका ड्रॉप आउट रेशियो इज 0.25, इट मींस उसका रुकने का रहने का प्रोबेबिलिटी 75% था, तो हमने 75% से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपको ये सब मैनुअली नहीं करना, ये सब कुछ केरास बिहाइंड द सीन्स खुद हैंडल कर लेगा, आपको बस समझ होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सो आई गेस आपको ड्रॉपआउट्स के बारे में चीजें समझ में आ रही है। अब मैं नेक्स्ट आपको कराने वाला था कोडिंग, थोड़ा आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता किसी डेटा सेट के ऊपर काम करके, बट आई गेस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सो व्हाट आई विल डू इज मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको कोड के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ऑल्सो आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स कि ड्रॉपआउट्स को कब कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।